चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। तो कल जो लास्ट लेक्चर हमारा था, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन को डिस्कस कर रहे थे। 1921 में 1920-21 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन लेके आते हैं गांधी जी, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लेके आए गांधी जी के द्वारा। और जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है तो हमने इतनी बात डिस्कस की थी कल वाली में कि 5 फरवरी की घटना थी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है जिसका नाम क्या, चौरा चोरी हत्या कांड हो जाता है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आता है। और इसी चोरा चोरी कांड होने के कारण, इसी से विचलित होने के बाद क्या किया गांधी जी के द्वारा, 12 फरवरी क्या होता है, ये जो मूवमेंट था, जो असहयोग आंदोलन था, क्या वापस ले लिया जाता है। अब देखिए जब इसमें ये घटना हुई, लगभग क्या है 21 क्या है पुलिस वालों की होती मृत्यु हो जाती है, कुछ क्रांतिकारी की भी क्या होती है शहीद हो जाते हैं इस कांड में। अब इसी के बाद क्या होता है, जब गांधी जी को आंदोलन वापस लिया गया, आंदोलन वापस लेने के बाद 1922 में ही क्या है गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था, और अरेस्ट करने के बाद उन पर केस चला, और केस चलने के बाद क्या था उनको 6 साल की सजा भी दे दी गई थी। हालांकि सजा 6 ही साल की हुई थी, लेकिन सजा 6 साल की देने के बाद क्या हुआ था, गांधी जी को 2 साल में ही 1924 में क्या कर दिया गया था, जल्द ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या है इनको क्या जेल से रिहा भी कर दिया गया। तो ये जो 2 साल का जो गैप था, ये जो 2 साल का गैप था, इस 2 साल के गैप में देश में क्या है एक बड़ा मूवमेंट क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब इस 2 साल के गैप को क्या है देश में क्या है क्रांतिकारियों में निराशा का माहौल भी बन चुका था। तो ऐसे में ही इस 2 साल का जो गैप है, इस निराशा को दूर करने के लिए एक पार्टी बनाई जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो एक पार्टी की स्थापना होती है, और इस पार्टी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसको कहा गया, ये उसी की आगे घटना है, स्वराज पार्टी। ठीक है जी, तो स्वराज पार्टी आती है, आपको बस ये याद रखना जो स्वराज पार्टी थी, ये स्वराज पार्टी किस किस ने मिलकर बनाई। तो स्वराज पार्टी की अगर आपसे बात करेंगे, इतनी ही बात होती है कि इसके प्रेसिडेंट की बात होती है और इसके जनरल सेक्रेटरी की बात होती है ना। तो जो स्वराज पार्टी बनी, इस पार्टी के जो हेड रहे वो कौन थे, सी आर दास, और इसके जनरल सेक्रेटरी की महासचिव बने मोतीलाल नेहरू। तो अब ये पार्टी हम लोगों ने बात किया, 22 में गांधी जी अरेस्ट होते हैं, 6 साल की सजा होती है, हालांकि 2 साल बाद ही क्या 24 में क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। जब गांधी जी जेल से छूट के आते हैं, और जेल से छूट के आने के बाद गांधी जी के द्वारा क्या है, खुद गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, क्योंकि इन दोनों ने क्या पार्टी बनाई थी, आने के बाद क्या है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है, एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया मीडिया की ओर से, मीडिया में, जिसको क्या है गांधी दास पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके बाद साल 1924 में आते, थोड़ी सी एक घटना की ओर बात करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं इतिहास में, कहा गया गांधी दास पैक्ट 1924। तो 1924 में गांधी दास पैक्ट या गांधी दास समझौता इसको हम लोग बोल देते हैं। ये दरअसल क्या था, ये 3 व्यक्ति, पहले कौन थे, एक है सी आर दास, दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के बड़े नेता, और तीसरे व्यक्ति की बात करें तो तीसरे हैं स्वयं महात्मा गांधी। इन तीनों के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। तो इन तीनों ने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया, यही जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहलाया, गांधी दास पैक्ट कहलाता है। क्या बोला इसको, गांधी दास समझौता इसको कहा गया। तो जॉइंट स्टेटमेंट में कौन कौन लोग शामिल हैं, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। देखिए इस ये जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया, ये जितनी भी बातें इस स्टेटमेंट में कही गई, हमको वो बातें जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है एग्जाम के लिए, हमको केवल ये जानना है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था, इस जॉइंट स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इस जॉइंट स्टेटमेंट जितनी भी बातें कही गई थी, उन सभी बातों की पुष्टि कहां की गई थी, कांग्रेस के वेलगांव सेशन में। देखिए कांग्रेस का वेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा सेशन है जिसके प्रेसिडेंट स्वयं गांधी जी रहे हैं।
तो देखिए कांग्रेस के जितने भी सेशन हुआ करते थे, जितने भी क्या अधिवेशन हुआ करते थे, गांधी जी किसी भी कांग्रेस के सेशन की क्या है प्रेसिडेंट नहीं रहे, किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं किए हैं। तो ये मैंने इसलिए डाल दिया, रीजन क्या है ना, जितनी भी बातें यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट में जो भी बातें कही गई थी, उन बातों को कहने से पहले क्या है, कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, एक सेशन हुआ, इसका नाम था वेलगांव, वर्तमान कर्नाटक में आता है। तो इस वेलगांव सेशन में कई सारी बातें रखी गई थी और इन्हीं सभी बातों को यहां पर क्या है जॉइंट स्टेटमेंट के रूप में कहा गया था। तो ये बातें कहां से आए, जो जॉइंट स्टेटमेंट की सारी बातें कहां से आती निकल करके, इसी बेलगांव सेशन से आई थी, बेलगांव अधिवेशन से आई थी। और इस बेलगांव जो सेशन था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, गांधी जी। तो ये बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी के द्वारा की गई है। बाकी गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के किसी भी सेशन की, किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की गई। ओनली एक ऐसा सेशन, केवल एकमात्र ऐसा अधिवेशन है, वो कौन सा था, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की गई। और इसमें जो भी बातें कही गई इस बेलगांव अधिवेशन में, यही सभी बातें इन तीनों के द्वारा क्या है, ज्वाइंट स्टेटमेंट के रूप में सामने आती हैं, जो 1924 में आई, और इसलिए इसको बोलते हैं गांधी दास पैक्ट। ठीक है, तो ये बातें आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलें, इस ग्रीन मार्कर को माला रख दे रहा हूं। अब देखें, इसके बाद जब गांधीदास पैक्ट हुआ, इस पैक्ट के बाद कुछ और घटनाएं घटती हैं जो इतिहास में बड़ी फेमस रहीं, जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, साल 1924 में ही एक संगठन भारत में बना, इसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। एक संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये बनता है 1924 में। देखिए, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन है, इस संगठन के अगर मेंबर्स की हम लोग बात करें, तो इसके जो मेंबर थे, इन मेंबर्स की क्या होती है, कि मीटिंग होती है कानपुर में। कहां पे होती है, इनकी एक मीटिंग हुई 1924 में कानपुर में। और इस संगठन के अगर हम लोग मेंबर्स की बात करें भाई, तो इसमें सदस्य कौन कौन है, तो इस संगठन के सदस्य हैं, कुछ मेंबर्स हैं जिनमें कौन, सचिंद्र शान्याल नाम का व्यक्ति है जो खुद बंगाल से हैं, योगेश चटर्जी हैं, देखिए राम प्रसाद विश्मिल, इन सभी के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, राम प्रसाद विश्मिल। इसमें हम लोग बात करें तो अशफाक उल्ला खां, हम बात करें चंद्रशेखर आजाद, इसके सम्मेलन इसके भगवती चरण बोहरा है ना, इसके अलावा शिव वर्मा, ये सब लोगों की बात करें तो ये सब लोग क्या हैं, इसी संगठन के क्या हैं, सदस्य हैं। इसमें सुखदेव को भी ऐड कर लीजिए, जितने भी क्रांतिकारी हैं ये सब क्या थे, इसी संगठन के क्या थे, अध्यक्ष हुआ, सॉरी
क्या थे, मेंबर हुआ करते थे। तो देखिए एक दल बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन नाम का संगठन है, इसके मेंबर्स थे। ये इतने लोग मेंबर हैं, सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, सुखदेव इत्यादि। और इनकी मीटिंग कहाँ पर होती है 1924 में, कानपुर में होती है इनकी मीटिंग। अब देखिए जैसे ही इनकी मीटिंग हुई कानपुर में, तो कानपुर में मीटिंग होने के बाद इसमें जो योगेश चंद, जो सचिंद्र सान्याल जो बंगाल के हैं, योगेश चटर्जी ये भी कहाँ के, दोनों सीनियर मोस्ट हैं। जब ये दोनों लोग बंगाल पहुंचे, तो बंगाल पहुंचने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया। अब जब इनको अरेस्ट किया गया, यानी कि इस दल के क्या सीनियर मोस्ट मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है, तो ऐसे में जो ये दल था, इस दल की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, राम प्रसाद बिस्मिल, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आ गई, राम प्रसाद बिस्मिल पे आ गई। अब चूंकि ये जो संगठन था भारत में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देता था, भारतीय क्या आजादी के लिए काम कर रहा था, अब कोई संगठन चलता तो संगठन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता संगठन को पड़ती है। तो इसी पैसे की आवश्यकता के लिए क्या करते थे, छोटी मोटी चोरियां ये लोग किया करते थे, डकैती डालते थे अमीर लोगों के घर में, लेकिन उससे ज्यादा क्या है, अर्निंग इनको नहीं होती थी। तो ऐसे में जब राम प्रसाद बिस्मिल के पास ये क्या आता है, संगठन का क्या आता है, जिम्मेदारी आती है, तो इनके द्वारा क्या है, एक घटना को अंजाम दिया गया जो इतिहास में बड़ी फेमस रही। और ये दिन था 9 अगस्त 1925, और इस घटना को बोलते हैं इतिहास में फेमस है काकोरी इंसिडेंट के नाम से, काकोरी इंसिडेंट या काकोरी कांड इसको हम लोग बोल देते हैं। तो एक घटना घटी भारत के इतिहास में, इसका नाम था काकोरी कांड। दरअसल काकोरी कांड क्या था, काकोरी जगह है और जगह लखनऊ से कुछ दूर, कुछ पहले पड़ती है। तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्या होता है कि इन लोगों ने योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, एक ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन, और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से आती थी कहां के लिए, लखनऊ। तो सहारनपुर से लखनऊ तो ये ट्रेन जाती थी 8 डाउन ट्रेन, और ये जो 8 डाउन ट्रेन थी, इस ट्रेन में क्या है, सरकारी खजाना, सरकारी खजाना इसमें भरा हुआ था, रहता था। तो ये क्या पैसेंजर ट्रेन थी, यात्री भी हुआ करते थे, और इसमें क्या सरकारी खजाना भी आता था। तो इन लोगों ने तय किया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ट्रेन को लूटेंगे। और ये घटना का अंजाम दी काकोरी कांड, जिसको क्या है 9 अगस्त। तो लखनऊ से पहले काकोरी नाम का स्टेशन पड़ता है, छोटी जगह है, तो इसी काकोरी नाम की जगह पर क्या किया जाता है, इन्हीं राम प्रसाद विश्मिल के नेतृत्व में क्या है, लीड करते हुए इस ट्रेन को क्या चेन खींच कर रोका जाता है, और रोकने के बाद इस ट्रेन को लूटा जाता है, यानी कि इस ट्रेन से क्या सरकारी खजाना लूटा जाता है। तो उस समय के रिकॉर्ड के हिसाब से सरकारी जो खजाना था, ये लगभग इस सरकारी खजाने की अगर हम लोग बात करें, ये सरकारी खजाना लगभग 4600 रुपए की कीमत का हुआ करता था उस समय, जिस समय इसको लूटा गया। दरअसल क्या था, इस ट्रेन को लूटते समय इसी में राम प्रसाद बिस्मिल का एक सहयोगी थे, इनका नाम था बनारसी दास। जब ये लोग ट्रेन लूटने के बाद निकले यहां से, तो ये जो बनारसी दास थे, जो शाहजहांपुर के रहने वाले थे, इन बनारसी दास की क्या चादर वहीं पे छूट जाती है, चादर वहीं पे ट्रेन में छूट गई, और उसी चादर को जब जांच हुई, जब वो चादर क्या है ब्रिटिश सरकार के हाथ लगी, तो उस चादर पे क्या था, जिस धोबी ने उसको धोला था उसका टैग भी लगा हुआ था। तो उसी टैग के माध्यम से ये लोग क्या किए, जो ब्रिटिश सरकारी ऑफिसर्स थे, जो जांच एजेंसियां थी, वो कहां तक पहुंचती हैं, उस किस तक पहुंची, उस धोबी के पास पहुंची, और धोबी ने क्या है वो ओपन कर दिया कि चादर किसकी है, इन व्यक्ति की है। इनको अरेस्ट किया गया, और इनको अरेस्ट करने के बाद क्या है, प्रताड़ित किया गया, और इसके बाद क्या इन्होंने क्या है नाम ओपन किए। नाम ओपन करने के बाद इस काकोरी कांड में 3 मुख्य अभियुक्त रहे जिनको फांसी दी गई, सजाएं तो कई लोगों को हुई लेकिन फांसी 3 ही व्यक्तियों को दी गई। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, इनके सहयोगी कहां गए, अशफाक उल्ला खां, और राजेंद्र लाहिड़ी, इन तीनों व्यक्ति को हैंक लटका दिया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। और फांसी के बाद ये जो घटना थी, ठीक है,
अच्छा, इसमें रोशन सिंह और छूट गए, एक रोशन सिंह भी हैं, इनको भी ऐड कर देता हूँ। रोशन सिंह, इन चार व्यक्ति को, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों की होती है फांसी की सजाएं दी जाती हैं। और ये घटना इतिहास में किस नाम से फेमस हो जाती है? काकोरी कांड के नाम से फेमस हो जाती है। यानी कि जो एचआरए के जितने भी मेंबर्स थे, इसको शॉर्ट में मैं एचआरए बोल सकता हूँ, इस संगठन को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉरी एचएसए, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो ये जो संगठन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, देखिए मैं माफी चाहता हूं, इस संगठन का सही नाम तो रिपब्लिकन शब्द है, सॉरी, हिंदुस्तान रिपब्लिक, अभी इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, एच आर ए बोल देंगे, ठीक है। हाँ जी, मैं माफी चाहता हूँ, सोशलिस्ट मैंने ऐड कर दिया, अभी बाद में ऐड होगा। तो इस संगठन का नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक दल था, जिसको हमने एच आर ए बोला। इस सम्मेलन की मीटिंग कहाँ पे होती है? 1924 में कानपुर में हुई। इसके मेंबर्स कौन है? सचिन सान्याल, रोगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, सुखदेव इत्यादि। और इसी संगठन के लोगों ने मिलकर क्या है, 9 अगस्त 1925 को क्या है, एक घटना को अंजाम दिया, जो इतिहास में किस नाम से फेमस हुई? काकोरी कांड के नाम से फेमस होती है। और इनके द्वारा क्या है, इस 8 डाउन ट्रेन को क्या है, लूटा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लूट लिया जाता है, सरकारी खजाना इसमें हुआ करता था। और इसी को लूटने के बाद रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको पकड़ा जाता है, मेन अक्यूज बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इनको क्या दी गई? फांसी दे दी जाती है। ये घटना इतिहास में फेमस किस नाम से होती है? काकोरी कांड के नाम से फेमस होती है। तो आप इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो संगठन था अभी हम लोगों ने जाना कौन सा, एच आर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके लगभग 17 सदस्यों को क्या लंबी सजाएं हो गई, और चार हो क्या है, जो चार मेन सदस्य हैं उनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी जाती है। तो इसका मतलब ये था, जो संगठन था ये क्या हो गया, काफी कमजोर हो चुका है, टूट चुका है। तो ऐसी स्थिति में इस टूटे हुए संगठन को जीवनी देने के लिए, इसमें कुछ जान फूंकने के लिए 1928 में एक और दल बना, इसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बना? 1928। तो देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको मैं शॉर्ट में HSRA बोल सकता हूँ, ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, चूंकि जो इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसके ज्यादातर मेंबर क्या हो गए? चार मुख्य मेंबर क्या हो गए? फांसी पर लटका दिए गए। लगभग 17 मेंबर्स को क्या लंबी लंबी क्या सजाएं दे दी गई। तो ऐसे में क्या था, दल क्या हो गया? कमजोर हो जाता है। और जब ये संगठन कमजोर हो गया, तो इसी संगठन में नई जान फूकने के लिए एक नया दल बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये दल किसके द्वारा बनाया जाता है? बाई चंद्रशेखर आजाद। किसने स्थापित किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने एक नया संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और देखिए, जो दल था HSRA, इसकी स्थापना दिल्ली के ही कहां पर हुई थी? है फिरोज शाह कोटला में। आपने दिल्ली का फिरोज शाह कोटला का नाम सुना होगा। तो इसकी स्थापना कहाँ की? इन लोगों के द्वारा, इसके द्वारा फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में बनाया गया। कौन सा? ये फिरोज शाह कोटला कहाँ पे आता है? दिल्ली में आता है।
किसने बनाया? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाया जाता है। और इसी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाए गए दल की अगर हम लोग बात कर लें तो एक घटना घटती है 17 दिसंबर को, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को होती है घटना, इतिहास में फेमस हुई। देखिए इसमें होता है सांडर्स का मर्डर हो जाता है, एक पुलिस अधिकारी है सांडर्स, सांडर्स। और ये मर्डर किसके द्वारा किया गया? वाई, एक स्वयं कौन है? भगत सिंह है इसमें शामिल, इसी मर्डर में चंद्रशेखर आजाद शामिल है। इसी मर्डर में कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, और इसी में थे राजगुरु, नहीं सॉरी सुखदेव इसमें शामिल हुआ करते थे। तो देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव, नहीं राजगुरु, देखें भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु के द्वारा क्या है, लाहौर पुलिस स्टेशन में घुसने के बाद क्या है, ये किसकी हत्या की गई? सांडर्स। जो सांडर्स क्या था, एक अंग्रेज अधिकारी था। दरअसल रीजन क्या था ना, इसका रीजन क्या था इसको हत्या करने के पीछे, 1927-28 का दिन था, और 1927-28 में क्या हुआ था, एक घटना का मैं जिक्र कर दे रहा हूं, यहां पे नोट करके लिख दे रहा हूं आपके सामने, साल था 1927 और 28। तो इसी 1927-28 में भारत में एक कमीशन आया था, इसका नाम था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका नाम था साइमन कमीशन। तो दरअसल साइमन कमीशन के बारे में पहले चर्चा कर लें, फिर समझते हैं क्यों हत्या की गई। देखिए बच्चों साइमन कमीशन में ये था कि साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार से जॉन साइमन की अध्यक्षता में क्या है, एक कमीशन, एक दल, एक डेलीगेशन भारत आया, और इस डेलीगेशन को ये जांचना था कि भारत में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली, जो संवैधानिक आयोग है, वो कहाँ तक हम क्या है नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि भारत के लिए क्या है संविधान निर्माण की बात कही गई थी कुछ ऐसी तरह की, किसमें? इस साइमन कमीशन के द्वारा। तो अब देखिए साइमन कमीशन अब भारत ले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो साइमन कमीशन है, भारतीयों के लिए संविधान बनाने की बात कर रहे हो, भारतीयों के, भारतीयों को खुद के शासन देने की बात आप कर रहे हो, लेकिन इस कमीशन में जितने भी 7 सदस्य थे, और 7ों सदस्य क्या थे? अंग्रेज। एक भी भारतीय को नहीं डाला गया। तो इस कमीशन का भारत में विरोध किया गया, कहा गया ये तो क्या है, व्हाइट कमीशन है, भारत में इसको व्हाइट कमीशन, इसको श्वेत कमीशन कहा गया। और श्वेत कमीशन कहने के बाद जगह जगह पूरे भारत में क्या होता है, इसका विरोध किया जाता है। तो इसी विरोध में एक व्यक्ति है लाला लाजपत राय, जो क्या है खुद एक्सट्रीमिस्ट हैं, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय भी क्या है विरोध सभा में क्या है विरोध कर रहे थे इसका, और इसी विरोध में जब प्रदर्शन चल रहा था, तो प्रदर्शन में क्या होती है, पुलिस अधिकारी सांडर्स के द्वारा क्या है लाठीचार्ज का ऑर्डर किया गया। और जब लाठीचार्ज होती है तो एक लाठी क्या है लाला लाजपत राय के सर में लग जाती है, जिसकी लगने के कारण उस जब ये घटना घटती है तो इसके काफी दिन के बाद क्या होती है, लाला लाजपत राय की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो मतलब मृत्यु होने का, मौत होने का, डेथ होने का कारण क्या था, यही क्या है श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं। और ये ऑर्डर किसके द्वारा जारी किया गया था, सॉन्डर्स के द्वारा। तो इसकी इस लाठी से क्या होती है, लाला लाजपत राय की क्या है कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जो किस दल के सदस्य हैं, HSRA के जो मेंबर हैं, इन HSRA के मेंबर्स ने क्या काम किया, कौन सा दल है इनका, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का जो दल है, जिसकी स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में 1928 में किसके द्वारा की जाती है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो इसी दल ने तय किया कि हम क्या करेंगे, इन लाला लाजपत राय क्या मौत का क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो इसी मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन में घुसे, और घुसने के बाद अंग्रेज अधिकारी क्या कर दिए, सांडर्स क्या कर दिया है, हत्या कर दी गई इन तीनों के द्वारा। एक तो घटना ये घटती है, और घटना का कारण क्या था, साइमन कमीशन, जिसके कारण क्या होती है, लाला लाजपत राय की होती है मृत्यु हो जाती है, ये घटना का मेन कारण था। एक बात हम लोगों जान ली है। अब इसके बाद कुछ घटनाएं और घट जाती हैं जिनको इतिहास में हमें क्या जानना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करें, फिर था 8 अप्रैल 1929 का दिन, 8 अप्रैल 1929।
तो इस 8 अप्रैल 1929 की भी बात कर लेते जरा। अब देखिए इसी 8 अप्रैल को क्या है, जो इनकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्या होता है, जो एच एस आर ए अभी हम लोगों ने जाना, तो एच एस आर ए के दो मेंबर हैं, एक कौन है भगत सिंह और दूसरे व्यक्ति थे इनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किसके मेंबर हैं, एच एस एस आर ए के मेंबर हैं। तो इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, इस सेंट्रल असेंबली में क्या कर दिया गया, एक बॉम्ब फेंक दिया जाता है। क्या फेंका गया, बॉम्ब फेंका गया। कहां पर, इस देखिए दरअसल क्या था, इस सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही थी जिस कानून के माध्यम से क्या था, जो भारत के मजदूर हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम किया जा सके, उनसे क्या उनके मौलिक अधिकारों को छीना जा सके। तो इन्हीं मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए ब्रिटिश सरकार एक कानून लेके आई, और उसी कानून की चर्चा कहां पर चल रही थी, इनके क्या है केंद्रीय विधानमंडल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग चल रही थी। और ये दिन कब का था, 8 अप्रैल 1929 का। तो इसी मीटिंग में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो खुद क्या है एच एस आर ए के क्या है मेंबर है, इनके द्वारा अपना विरोध जताने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर एक बम फेंका जाता है। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह के द्वारा और स्वयं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, देखिए इस बम को फेंकने का उद्देश्य ये था केवल किसी को जान माल का नुकसान ना हो, केवल ब्रिटिश सरकार को डराया जाए, ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए, क्योंकि भगत सिंह का स्टेटमेंट है कि बहरे कानों को सुनाने के लिए क्या धमाकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आराम से एक बम फेंका गया, और बम फेंकने के बाद दोनों के द्वारा क्या है, खुद क्या है अपनी क्या गिरफ्तारी दे दी जाती है। तो ये घटना कब घटती है, 9 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जिसके नाम से इतिहास में फेमस हो गया, ये कब घटना हुई, 8 अप्रैल को। इसके बाद ये अरेस्ट हुए, और इसके बाद की जो क्या क्या घटनाएं हुई उनको हम नेक्स्ट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग जानते हैं क्या होता है। आज तो ठंड इतनी है कि इसको रफ करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब दो घटनाएं घट गई, पहली कौन सी रही, सैंडर्स की हत्या हो जाती है, और इसके बाद वहां के जो केंद्रीय विधानमंडल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें क्या है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा क्या है बॉम्ब भी फेंक दिया जाता है। रीजन क्या था, ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेके आती है जिसमें जो भारतीय मजदूर हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सके, कम किया सके, खत्म किया जा सके। तो इसका विरोध जताने के लिए क्या है, एक बम फेंका गया। अब देखिए एच एस आर ए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का दल है, इस दल के द्वारा क्या है दो घटनाओं का अंजाम दिया जा चुका है। पहली कौन सी थी, सैंडर्स की हत्या हो गई। दूसरा कौन सा है, केंद्रीय असेंबली जो है इनकी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर क्या है बम फेंक दिया गया। अब इसके बाद बम फेंकने के बाद क्या होता है, अब पुलिस के द्वारा क्या इनको अरेस्ट भी किया गया होगा, और अरेस्ट करने के बाद
दिन था 23 मार्च 1931। तो इन पे केस चला, और केस चलने के बाद एक स्वयं कौन है, भगत सिंह, दूसरे व्यक्ति थे सुखदेव, और तीसरे थे राजगुरु। तीनों को इस तारीख को क्या कर दिया गया थी, फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और भगत सिंह के बारे में बाकी आप जानते हैं, इतिहास में क्या हो गए, एक हीरो बन गए हमारे, कौन, भगत सिंह। तो ये घटना कब घटी है, 23 मार्च 1931 को ये घटना घटी। और इसी के बाद इसी में एक व्यक्ति थे जतिन दास, इनका भी नाम जरा जान लेते हैं, जतिन दास। इन जतिन दास की आफ्टर 64 डेज, 64 दिन के बाद, 64 दिन बाद क्या हो गई, 64 दिन बाद, 64 दिन तक इनके द्वारा लगातार क्या है, भूख हड़ताल की जाती है, ऐसा लिखते हैं। और भूख हड़ताल की गई, और भूख हड़ताल के बाद क्या होती है, इनकी मृत्यु। तो जतिन दास एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जेल में क्या रहे, लगातार भूख हड़ताल करते रहे, और 64 दिन तक भूख हड़ताल की, और 64 दिन के बाद क्या होती है, इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, जतिन दास की। इसी के अलावा जब ये कांड हुआ लाहौर बम का, ठीक है, कौन सा, लाहौर पुलिस स्टेशन में सांडस की हत्या की गई, जिसमें क्या चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। तो चंद्रशेखर आजाद वहां से भी फरार हो गए, वहां भी हाथ नहीं आए थे, और वहां से भी क्या हो गए, फरार हो गए थे। तो फरार होने के बाद चंद्रशेखर आजादी क्या है, 27 फरवरी का दिन था 1931। तो इलाहाबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, कौन सा पार्क, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या हो जाते हैं, ये भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, कौन, ये भी पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। अब इसके अलावा ये भी हम लोगों ने जान लिया, एक घटना और यहां पे घट जाती है, उसको भी जरा जान लेते हैं क्या थी। अब आपने जाना 1927-28 में क्या साइमन कमीशन भारत आया, तो जब साइमन कमीशन से ये पूछा गया कि इस कमीशन में क्या एक भी भारतीय क्यों नहीं है, तो ब्रिटिश सरकार की जो जवाब आया, जो बहाना था, जो एक्सक्यूज उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो लोग हैं वो काफी क्या है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो अपना संविधान खुद नहीं बना सकते, इसलिए क्या कि हम लोगों ने भारतीय को उसमें क्या है रखा ही नहीं है। तो और एक चैलेंज दिया ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या है, कांग्रेस को, खासकर कांग्रेस को, क्या है, अगर आप में हिम्मत है तो आप क्या करिए, अपना संविधान बनाकर दिखाइए। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनी, और उस कमेटी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। तो उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की, जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट किस नाम से फेमस होती है, नेहरू रिपोर्ट। और ये कब आई, 1928 में आती है। तो दरअसल 27-28 में क्या आया था, साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन आया तो चैलेंज किया गया, आप बना के दिखाइए खुद से। तो इसमें क्या, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, और खुद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में क्या एक कमेटी बनी। और उस कमेटी का काम क्या था, भारत के लिए क्या करना, इसका काम क्या था कि डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डोमिनियन संविधान। डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार करना, हम दिखाएंगे आपको कि हम भी अपना संविधान खुद बना सकते हैं, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। हालांकि ये रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी उन बातों को मुस्लिम लीग ने भी मानने से मना कर दिया, और खुद ब्रिटिश सरकार ने भी क्या मानने से मना कर दिया। तो हमको बस ये जानना है कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, कब आई, 1928। इसके प्रेसिडेंट कौन रहे इस समिति के, तो इस समिति की अध्यक्षता कौन रखी, खुद मोतीलाल नेहरू। नेहरू से मतलब या जवाहरलाल नेहरू कतई नहीं है, अभी जवाहरलाल नेहरू की एंट्री नहीं होगी भारतीय राजनीति में, कौन है, मोतीलाल नेहरू। तो ये क्या थी आपकी नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए अभी तक जो हम लोगों ने क्लास किया, इसमें कुछ हम लोगों ने बात कर ली, सबसे पहले हम लोगों ने बात की किसके बारे में, जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़े थे तो असहयोग आंदोलन को डिस्कस किया था, और असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को अरेस्ट किया गया, 5 फरवरी को चोरा चोरी कांड हो जाता है, गांधी जी को 1924 में क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। और जब 24 में गांधी जी अरेस्ट होते हैं तो 2 साल बाद क्या गांधी जी को कर दिया गया, रिहा भी कर दिया गया। और जब गांधी जी रिहा हुए तो रिहा होने के बाद अब तब तक क्या था, 1900 तब तक क्या था, भारत में स्वराज पार्टी बन चुकी थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। और फिर आप लोगों ने पढ़ा 1928 में होता है गांधी दास पैक्ट आता है, तीनों के द्वारा का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया,
ये आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक संगठन बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी मीटिंग कहाँ पे होती है, कानपुर। और इसी संगठन के लोगों के द्वारा क्या एक घटना को अंजाम दिया गया, जिसका नाम क्या था, काकोरी हत्याकांड, जिसको सॉरी हत्याकांड नहीं काकोरी कांड कहा जाता है, इतिहास में फेमस हो गया। 9 अगस्त 1925 के दिन थी काकोरी कांड हुआ। और काकोरी कांड के बाद आप लोगों ने पढ़ा अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह, चारों की दी गई फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद लगभग 17 मेंबर्स को लंबी सजाएं दी गई। दल क्या है, टूट चुका था, कमजोर हो चुका था। तो ऐसे में 1928 में क्या है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में क्या बनाया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का नया दल। और इसी दल के लोगों के द्वारा क्या है, लाहौर पुलिस स्टेशन में घुसकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। वो सैंडर्स जिसने साइमन कमीशन के विरोध में करने पर क्या है लाठीचार्ज का आदेश किया, और जिसमें एक लाठी क्या है लाला लाजपत राय के सर में लगी, और जिससे क्या हो गई, जिसके चलते कुछ दिन के बाद क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी का बदला लेने के लिए क्या सैंडर्स की हत्या की गई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और किसके द्वारा, राजगुरु के द्वारा। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सेंट्रल असेंबली जो थी उनकी, वहां पे क्या बम फेंका गया, भगत सिंह और किसके द्वारा, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। और फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि 23 मार्च 1931 को क्या होता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या दी गई फांसी दे दी जाती है, जिसको क्या शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं वर्तमान में। और जतिन दास 64 दिन के बाद क्या, भूख हड़ताल के बाद उनकी खुद मृत्यु हो जाती है। 27 फरवरी को हमें जाना है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, क्या है खुद 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कौन मारे गए, किसकी बात, कौन मारे गए, तो यहां पर मैं किसकी बात करूं, मैं नाम लिखना भूल गया हूं, मैं यहां पर पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद, क्या हो गए, मारे गए। और इसके बाद में साइमन कमीशन को ही चैलेंज करते हुए मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, इसको जिसने क्या जो रिकमेंडेशन दी, जो रिपोर्ट सौंपी, वही किस नाम से फेमस हो गई, नेहरू रिपोर्ट के नाम से फेमस हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत के डोमिनियन संविधान का क्या करना, एक खाका, एक ब्लू प्रिंट रखना, जो क्या था इसका उद्देश्य था। अब आज के लिए इतना रखेंगे, इसकी अगली क्लास बाकी इससे एक घटना है, हम लोग कल वाली क्लास को देखते हैं। चलिए मिलते हैं, गुड लक।